नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं अखिल यादव और हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति। ये वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 वीडियो नोट की बात कर चुके हैं। 13वें वीडियो नोट में हमने बात की थी भारतीय हस्तशिल्प के भाग एक की। इसमें हम बात करेंगे भारतीय हस्तशिल्प के भाग दो की। तो देखिए, वहां पे हमने कहां तक बात कर ली थी? हमने बात कर ली थी भाई चांदी पर जो शिल्प हुआ था ना, वहां तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे शुरू मिट्टी के बर्तनों पर शिल्प से। इसके बाद में काश्य शिल्प आएगा, धातु पर शिल्प आएगा, चमड़े पर शिल्पकारी आएगी, लकड़ी और फिर रंगोली शिल्प आदि की हम इस वीडियो नोट में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो नोट शुरू करने से पहले आपको पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूं कि आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे डायरेक्टली www.studyforcivilservices.com पर जाकर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी सामग्रियां मिलेंगी जो आपकी परीक्षा से उपयोगी सिद्ध होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो नोट 14। मिट्टी के बर्तनों पर शिल्प की बात करें तो देखिए, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, इनको हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प का क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तशिल्प का गीत कहा जाता है। मिट्टी के बर्तनों को कहते हैं हस्तशिल्प का गीत, ठीक है। अब सबसे पहले प्रारंभिक शिल्प की बात करें तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ है ना, वहां से नवपाषाणिक स्थल से मिले थे हमें सबसे प्रारंभिक प्रमाण, ओके। और प्राचीन काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रित धूसर मृदभांड भी थे। तो सबसे प्रसिद्ध कौन से थे? चित्रित धूसर मृदभांड, जिनकी हमने जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली बात की थी उसके अंदर हमने उसको अच्छे से पढ़ा था। अब देखिए, देश के कुछ भागों पर लाल काले मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तनों की बात हम कर रहे हैं तो लाल काले मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः ये मिले हैं पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिमी बंगाल से। गुप्त काल में शुरुआत से हमें अलंकरण, चित्रकला, मुद्रांकन जैसे सजावटी तकनीकें देखने को मिली हैं। तो गुप्त काल की शुरुआत से हमने देखा था कि वहां पर अलंकरण, चित्रकला, मुद्रांकन जैसी सजावटी तकनीकें शुरू हो गई थी जब हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था। तो उसी प्रकार से ये हमें चीजें वहां से देखने को मिली हैं लगातार। फिर क्या हुआ? चमकीली मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं जो कि इंडो इस्लामिक परंपरा के आगमन से शुरू हुआ, ठीक है। इंडो इस्लामिक परंपरा से क्या शुरू हुआ? चमकीले मिट्टी के बर्तनों के जो बनने की प्रक्रिया थी उसके साक्ष्य हमें मिले हैं जो कि इंडो इस्लामिक परंपरा के साथ यहाँ पर भारत में आए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ मिट्टी के बर्तन है, लेकिन इनका कलर देखिए आप, ज्यादातर ब्लू है ना, तो ये ब्लू पॉटरी है और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मृदभांडों की बात करेंगे हम मिट्टी के बर्तनों की। जैसे हम नीले मृदभांड अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था, वो नीले मृदभांड थे, ब्लू पॉटरी थी, वो जयपुर की फेमस थी। इसमें क्या होता है, मुल्तानी जो मिट्टी होती है ना उससे ये चीजें बनी होती है और फिर इनको रंगा जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी से बने होते हैं नीले मृदभांड, ये जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के? जयपुर के, राजस्थान। दूसरे में बात करें तो काले मृदभांड, ये आजमगढ़ के प्रसिद्ध है। इनमें गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। किसे? गहरे रंग का, तो मतलब काले गहरे रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है मिट्टी के काले बर्तन। तीसरा देखिए, खुर्जा मृदभांड, खुर्जा के प्रसिद्ध है, रंगीन है, मजबूत है, घरेलू सामान बनाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। घरेलू सामान बनाने हेतु खुर्जा मृदभांड का प्रयोग किया जाता है, खुर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोपी चंदन। गोपी चंदन कहाँ पे है जी? सौराष्ट्र के अंदर। मिट्टी की बनी हुई कलाकृतियां हैं। गोपी चंदन क्या है? मिट्टी की बनाई हुई कलाकृतियां हैं जो कि सौराष्ट्र की प्रसिद्ध है। कागजी मृदभांड अलवर के प्रसिद्ध है, कोमल होते हैं, पतले होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर मतलब छिटककर टूटने वाले होते हैं, बिखरकर गिरकर बिखरने वाले होते हैं, ठीक है। भंगुर तकनीक, भंगुर प्रकृति के ये होते हैं कागजी मृदभांड। तो ये कुछ क्षेत्र विशेष के मृदभांडों की हमने आपको बात कही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपको काश्य शिल्प। देखिए, जो मृदभांड थे ना वो मिट्टी से बने थे और मिट्टी को पकाकर बनाए गए थे, उनके ऊपर कलर किया गया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कलर के हिसाब से वो फेमस थे, उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं काश्य शिल्प की। जैसा कि हमने प्राचीन काल के अध्ययन में मोहनजोदड़ो से मिली नृत्यांगना की मूर्ति, आपको ध्यान होगी ना, काश्य की मूर्ति थी नृत्यांगना की, हैं, उसकी हमने बात की थी। वो काश्य की मूर्ति से पता लगा था कि काश्य कला पुरातन कला में एक है, ठीक है। तो उस वो जो काश्य की मूर्ति हमें मिली काश्य की, हमें ये अंदाजा लग गया था कि भाई काश्य कला पहले से चली हुई कलाओं में से एक कला है। काश्य शिल्प का उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है
उत्तर प्रदेश काश्य कला के शिल्प में सबसे आगे है। इसमें देखिए इटावा, सीतापुर, वाराणसी, मुरादाबाद जैसे प्रमुख केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, फूल के बर्तन, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और सजावटी सामानों का निर्माण किया जाता है, जैसे ताम्रपत्र, ठीक है, तांबे के बर्तन, कंचन, कंचन थाल आदि, जो पूजा की थाली होती है उसका निर्माण यहाँ पे यूपी के अंदर किया जाता है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है काश्य से। तमिलनाडु भी काश्य शिल्प का प्रमुख केंद्र है, जैसे उत्तर प्रदेश है वैसे ही तमिलनाडु भी काश्य शिल्प का प्रमुख केंद्र है। देखिए यहाँ पर पीतल के कुछ शिल्पों की बात करें तो डोकरा ढलाई होता है, एक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है डोकरा ढलाई। इसमें क्या होता है, पीतल से बने आभूषणों के लिए ये तकनीक काम में ली जाती है। पीतल से जो बनते हैं आभूषण उनको इस तकनीक के द्वारा ढाला जाता है। पहलदार लैंप जयपुर और यूपी के कुछ भागों में प्रसिद्ध है। अनेक शैलियों में तांबे और पीतल से बने हुए ये लैंप होते हैं जो कि सजावट के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जैन मूर्तियों की बात करें तो कर्नाटक में प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ केंद्रों की आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए गज तांडव केरल में है, तांडव मुद्रा में नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है गज तांडव। पेमबर्ती शिल्प क्या होता है, वारंगल तेलंगाना में इसका प्रयोग किया जाता है। मंदिर के जो रथ होते हैं ना उनको पीतल से सजाया जाता है, किनसे सजाया जाता है, पीतल से। तो ये कौन सी शिल्प होती है, पेमबर्ती शिल्प। पेमबर्ती शिल्प का होता है मंदिर में जो रथ बने होते हैं वारंगल तेलंगाना में स्पेशली, वहां पर उन रथों को पीतल से सजाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ शिल्प की कलाएं थी, हमने आपसे बात कर ली। नेक्स्ट देखिए जी धातुओं की शिल्पों की बात करें तो धातुएं बहुत सारी हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, पीतल है आदि, ये सारी धातुएं होती है और इनके ऊपर भी कलाकारी की जाती है, हस्तशिल्प का प्रयोग इन पे किया जाता है। कैसे कैसे, उत्कीर्ण करके, नक्काशी करके और तकनीक का प्रयोग करके इनके ऊपर सजावट की जाती है। एक देखिए यहाँ पे मरोरी है शब्द, ये मरोरी क्या होता है, राजस्थान की धातु की शिल्प के लिए प्रसिद्ध शब्द है मरोरी, ये मरोरी तकनीक है। यहाँ पे धातु की नक्काशी भी धातु से ही की जाती है। देखिए धातु के ऊपर जो सजावट की जाती है, नक्काशी की जाती है, वो भी धातु से ही की जाती है, ओके, किसी रंग से नहीं की जाती है, धातु से ही की जाती है। तो ये इसकी मरोरी कला की विशेषता है। बादला, नेक्स्ट देखेंगे बादला। बादला भी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। अर्धगोलाकार या गोल बर्तन जिन पर जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है, विशेषतः यह पानी को रखने के लिए प्रयोग किया गया बर्तन है। और बादला राजस्थान के मारवाड़ से संबंधित है और इसमें अर्धगोलाकार गोल बर्तन जिन पर जस्ते का इस्तेमाल करके जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धातु के तल पर महीन रूप से गढ़े हुए खांचे में पैटर्न बनाने की कला, जिसमें पतले तांबे या पीतल के तार का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है तारकशी। तारकशी होता है कि भी धातु का जो तल होता है ना, पिंदा होता है ना, उसमें महीन रूप से गढ़े हुए खांचे होते हैं, उन पैटर्न पर कला की जाती है जिसमें पतले तांबे या पीतल के तार का प्रयोग किया जाता है उन खांचों में, तो ये तारकशी होती है। और ये देखिए राजस्थानी कलाकारों ने कोफ्तागिरी तकनीक को परिपूर्ण बनाया है, ठीक है। कोफ्तागिरी मतलब थोड़ा उसको उभार कर बनाया जाता है, इस तकनीक को क्या बनाया है, परिपूर्ण बनाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि चमड़े के उत्पाद बहुत सारे मिलते हैं तो वो भी हस्तशिल्प में आते हैं चमड़े के भी। तो चमड़े पर शिल्पकारी की बात करें तो चमड़े के उत्पाद के लिए पहले बाघ और हिरण की खाल का प्रयोग किया जाता था। पहले के ज़माने में भाई शेरों और हिरणों की खाल का प्रयोग किया जाता था। हम जैसे भी धार्मिक चीज़ों में देखते हैं तो जो भी देवी देवता होते हैं वो किसी ना किसी पशु की चमड़ी के ऊपर बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई पहले के ज़माने में बाघ और शिल्प हिरण की खाल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब ऊँट सबसे लोकप्रिय जानवर है, ऊँट की चमड़ी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है, उससे सबसे ज़्यादा चीज़ें बनने लग गई हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लग गए हैं। ऐसा मानते हैं कि पहले के समय में विद्वान लोग जो थे वो खाल को बिछाने के काम में लेते थे चटाई के रूप में, जैसे आजकल हमारे घर में चटाई यूज में लेते हैं बैठने के लिए, वैसे जो बड़े लोग थे, विद्वान थे, महर्षि थे, जो जंगलों में रहते थे, वो क्या करते थे, खाल को बिछाकर बैठते थे और अपनी तपस्या या अपना जो भी काम है वो करते थे, ऐसा माना जाता है। तो वर्तमान समय की बात करें तो चमड़े का अधिकांश प्रयोग भाई जूते बनाने में, पर्स में, बैग बनाने में किया जाता है। आजकल हम जाते हैं बड़े बड़े शोरूमों में, वो कहते हैं जी इटालियन लेदर है, ये प्योर लेदर है, ये ऐसा लेदर है, वैसा लेदर है। लेदर का मतलब चमड़ा होता है, तो चमड़ा तो किसी पशु से ही प्राप्त हो सकता है, तो ये इस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। जो हम जूते पहनते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, बेल्ट यूज़ करते हैं, बैग यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें चमड़े की बनी हुई हम यूज़ करते हैं वर्तमान समय में। तो चमड़े का भी सबसे बड़ा बाजार राजस्थान ही है,
ठीक है, पूरे भारत में चमड़े का सबसे बड़ा, चर्म उद्योग का सबसे बड़ा बाजार जो है ये राजस्थानी है। और देखिए यहाँ पे एक शब्द, मोजड़ी। मोजड़ी क्या होती है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ हैं। क्या है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ हैं। कभी आपको समय मिले तो आप मोजड़ी जरूर खरीदिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी होती हैं, देखने में भी एकदम राजस्थानी झलक इनके अंदर होती है। तो मोजड़ी कहाँ की होती है? जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मोजड़ी होती क्या है, जूतियाँ होती हैं। चलिए देखिए, यूपी का कानपुर भी प्रसिद्ध है, यहाँ चमड़े के उत्पाद भारी मात्रा में बनते हैं। यूपी का कानपुर भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर भी चमड़े के उद्योग भारी मात्रा में लगे हुए हैं। कोल्हापुरी चप्पल प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की, ठीक है, स्पेशल चप्पल है चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल, जो कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चीजें सब जगह की हैं कुछ ना कुछ। अब देखिए पंजाबी जूतियों की बात करें तो प्रसिद्ध कशीदाकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जूतियां नॉर्मल होती है ना, लेकिन पंजाब में क्या होता है, जो भी लोगों के आप जूते पहने देखोगे, जूतियां पहने देखोगे, जूतियां विशेषता उनके ऊपर कढ़ाई की जाती है, विभिन्न विभिन्न कलर के धागों से या बहुत सारे पैटर्न्स के अंदर उनके अंदर कढ़ाई की जाती है। वो कढ़ाई की जूतियां पंजाबी जूतियां हैं और वो वहीं पे फेमस है और पूरे भारत में प्रचलित है। मनोती कला क्या होती है? बीकानेर की प्रसिद्ध कला है, ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री यहाँ पे यूज ली जाती है, ठीक है, मनोती कला। नेक्स्ट हम बात करें भाई लकड़ी पर शिल्प। देखिए बहुत सी चीजें हैं जो लकड़ी से भी बनाई जाती हैं, जैसे हम कारपेंटर जिनको बोलते हैं, वो बहुत सी हमारी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें, सजावट की चीजें ये बनाते हैं। जैसे हमारे घर में दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, फोटो फ्रेम्स हैं, ठीक है। और आजकल तो किचन के अंदर भी जो किचन के अंदर जो खांचे होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे गेट लगा दिए जाते हैं वो भी लकड़ी के ही होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लकड़ी की बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो लकड़ी पर शिल्प होता है वो। तो सबसे प्रमुख बात करें तो हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर जो हमारे बैठने का काम आता है, हमारे यूज के काम आता है, तो वो फर्नीचर है, टेबल हो गया, चेयर हो गई, बेड हो गया, सोफा हो गया, ठीक है। तो ये फर्नीचर हमारे घर में काम आता है, तो ये लकड़ी पर शिल्प से संबंधित है, लकड़ी की कलाकारी से संबंधित है। इसमें देखिए शीशम, पाइन वुड और भी बहुत सारी लकड़ियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और उनसे फर्नीचर बनाया जाता है। फर्नीचर का सबसे बड़ा जो केंद्र है ना, वो कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में। देखिए अखरोट और देवदार की लकड़ी वहां पे सबसे ज्यादा प्रयोग में की जाती है, और वहां पे इन लकड़ियों का यूज में लेकर फर्नीचर बनाया जाता है और पूरे भारत में और विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो फर्नीचर का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के कारीगर कुशल हैं लकड़ी के मकान और हाउस बोट बनाने में। वहां पे देखिए बर्फ पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है कि लकड़ी के मकान बना लिए जाते हैं, और जो झीलें होती हैं वहां पर उनके अंदर जो नावें चलती हैं वो एक घर के आकार की प्रकार की हाउस बोट बनाने में वहां के लोग कारीगर कुशल हैं, और वो सब लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो देखिए आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि हाउस बोट और लकड़ी का सामान बनाने में कश्मीर आगे है, ठीक है। तो वहां पे इन चीजों का निर्माण ज्यादा होता है। अच्छे द्वार, खतम बंद, अजल पिंजरा, कश्मीरी जाली होती है, ये वहां पे मुख्यतः निर्माण किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुजरात भी प्रसिद्ध केंद्र है लकड़ी के जो शिल्प कला है उसको लेकर। खिड़कियों व दरवाजों पर नक्काशी वहां पर विशेषतः प्रसिद्ध है। जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर नक्काशी मतलब सजावटी काम होता है लकड़ी के द्वारा ही, वो वहां का बहुत प्रसिद्ध है गुजरात का। राजस्थान का रोहिड़ा का प्रयोग सिंदूर के बक्से बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सिंदूर के बक्से किससे बनते हैं राजस्थान में? रोहिड़ा से। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी का सामान बनता है। कर्नाटक में क्या होता है, जो चंदन होता है ना खुशबूदार, उसकी लकड़ी का सामान बनता है, और चंदन की लकड़ी का सामान बनने के लिए कर्नाटक वहां पे प्रसिद्ध है। केरल में सागवान की लकड़ी से प्रयोग करके शिल्पकला की जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश में नक्काशीदार गुड़िया और मूर्तियां बनाने में रक्त चंदन का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रकार का चंदन होता है रक्त चंदन, जिसका वहां पे सजावटी गुड़िया और मूर्तियां बनाने में प्रयोग होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे रंगोली कला की। देखिए हमने बहुत से ऐसे फंक्शंस में या फिर किसी के
स्वागत में या फिर दीपावली पर या और त्योहार पर दक्षिण के अंदर ओणम मनाया जाता है कि उन त्योहारों के ऊपर हमने देखा होगा कि बहुत से रंगों से बच्चे, स्त्रियां, पुरुष एक धरती के ऊपर, भूतल के ऊपर कुछ आकृतियां बना देते हैं, जो शायद गोलाकार भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं, स्टार आकार में भी हो सकती हैं। वो सारी आकृतियां क्या होती हैं, उनको हम रंगोली कह देते हैं, क्योंकि वो रंगों से भरी जाती हैं। अब देखिए, रंगोलियों को भूतल कलाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतल कलाएं। रंगोली आमतौर पर धार्मिक और पारिवारिक समारोह पर बनाई जाती है। जो भी पारिवारिक समारोह होते हैं उनके ऊपर बनाई जाती है, धार्मिक समारोह पर बनाई जाती है, जैसे हमने आपको बताया। और केंद्र बिंदु से शुरू किया जाता है रंगोली को। क्या किया जाता है? केंद्र बिंदु से शुरू किया जाता है। मान लो यहाँ से शुरू कर दिया, एक पैटर्न बनाने लग गए, ठीक है। अब इसको ही बड़ा करते हुए चले जाएंगे, इसको ही बड़ा करते हुए चले जाएंगे सेम सी आकृति में। फिर इनके अंतर अलग अलग क्या कर देंगे, रंग भर देंगे, और वो बिल्कुल सजावटी तरीके से उसको द्वार के ऊपर, फर्श के ऊपर, बनता है नीचे जमीन के ऊपर, पक्के फर्श पर, कच्चे फर्श पर, तो वो रंगोली का निर्माण वहां पे किया जाता है। राजस्थान केंद्र बिंदु से शुरू करते हैं और फिर डिजाइन को बड़ा करते हुए बना देते हैं, जैसे हमने आपको अभी बताया था। राजस्थान मध्य प्रदेश की मंडन या मांडना रंगोली का प्रयोग किया जाता है। मंडन शब्द को हम सजावट के रूप में देख सकते हैं। देखिए, मंडन क्या होता है या मांडना कहते हैं राजस्थान में। फर्श को गोबर से पहले लेप लिया जाता है, फिर उस पर डिजाइन बना दिए जाते हैं। फर्श को पहले गोबर से लेप लिया जाता है, फिर उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों से डिजाइन बना दिए जाते हैं। ये वहां पे शैली है। दीवारों पर भी किया जाता है, फर्श पर भी किया जाता है। गुजरात में महत्वपूर्ण अवसर पर साथिया बनाया जाता है, ठीक है। साथिया ये रंगोली की तरह ही होता है। नेक्स्ट देखिए, रंगोली जो होती है वो विशेषता कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। रंगोली जो होती है वो विशेषता महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। इसमें स्वास्तिक के निशान का प्रयोग किया जाता है। ये वाला स्वास्तिक का निशान आपने अपने नई गाड़ी खरीदते होंगे तो पंडित जी बनाते होंगे, ठीक है। नए घर का प्रवेश होता होगा तो वहां पे बनाता होगा। आपके मंदिर में ये स्वास्तिक निशान होगा, या फिर आप इसको बनाते होंगे, या फिर कोई भी ऐसा पूजा का कार्य है जिसके अंदर इस स्वास्तिक निशान को बनाया जाता है। हमारे घर के प्रवेश द्वार पर, हमारी नई गाड़ी पर, और किसी भी मंगलमय कार्यक्रम पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेषता है भाई, रंगोली जो है ना ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे एक स्वास्तिक का प्रयोग भी हमेशा किया जाता है। दक्षिण भारत में कोलम का प्रयोग किया जाता है। बाहरी रेखा पर लाल गेरू रंग से रंगी जाती है, ठीक है। कोलम मतलब एक एक निश्चित निश्चित प्रकार की आकृतियां वहां पे बनाई जाती हैं, और ये बाहरी जो बाउंड्री होती है ना वो लाल और गेरू रंग की रंगी जाती है, और फिर इनके अंदर कोलम बना दिए जाते हैं। ये कोलम जो होते हैं ना ये दक्षिण भारत के अंदर चलते हैं। अब इन कोलमों को हेज कहते हैं कर्नाटक में, मुगलू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, और गोलम कहते हैं केरल में, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो कोलम जो बनाने की कला है ना, सजावट की, वो कर्नाटक में भी है लेकिन हेज कहलाती है। इसी प्रकार वो आंध्र प्रदेश में भी है लेकिन मुगलू कहलाती है। वो केरल में भी है लेकिन गोलम कहलाती है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम दे दिया गया, बाकी ये दक्षिण भारत में कोलम है। नेक्स्ट देखिए, चावल की नमलई से बनी ये कोलम विवाह सभा कक्ष में पवित्रता का संचार करती है। तो ज्यादातर ये विवाह के समारोह के ऊपर बनाए जाते हैं ये कोलम, और ये पवित्रता का संचार करते हैं। झोटी क्या होता है? झोटी होता है ओडिशा व अरिपन पश्चिम बंगाल व असम में बनाई जाती है। प्रत्येक के आगे एक फूल भी रखा जाता है। एक ऐसी कलाकृति झोटी ओडिशा व अरिपन वो पश्चिम बंगाल और असम में इसको बनाया जाता है, झोटी आकृति को। और इसके आगे एक विशेषता ये होती है कि झोटी के आगे, प्रत्येक के आगे, ठीक है, अरिपन मतलब होता है प्रत्येक के आगे एक फूल भी रखा जाता है। झोटी ओडिशा में और अरिपन पश्चिम बंगाल व असम में। इसको इस प्रकार समझिए आप, झोटी जो है वो ओडिशा में, अरिपन है वो पश्चिम बंगाल और असम में। अरिपन इसको कहते हैं क्योंकि प्रत्येक उसके आगे एक फूल रखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों, हस्तशिल्प के इस भाग दो में इतना ही। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए, और www.study4civilservices.com पर जाकर आप और भी पीडीएफ से संबंधित और भी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें, और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।